नोट करियो दो चार गल्लां जिहड़ी सरकार नूं जदों असीं कहिंदे सी कि WTO चो बाहर आउण दी गल करो उस वेले कहिंदे सी ना जी इह तां गल कीती नहीं जा सकदी और इस अंदोलन ने हालात पैदा करते कि भारत सरकार नूं जाके WTO दे विच कहना पिया कि पीस क्लोज नूं लगातार रेगुलर किया जाए। ये ठीक है साड़ी जमात नूं इन्हां गल्लां दी समझ नहीं आउंदी कि की है पीस क्लोज, मतलब कि तुहाडी MSP जिहनूं WTO खत्म करवाना चाहती है उस MSP नूं जारी रहने रखने लिए अलाउ करो। ये तुहाडे अंदोलन की ताकत है मेरे मित्रों। जिहड़े कहिंदे ने कि अंदोलन कल्ले पंजाब दा है, आ हरियाणे दे विच करफ्यू वर्गा माहौल क्यों बनाई बैठे हो? छड्डो ना एक दिन खुले हरियाणे वालियां नूं पता लगे कि यह अंदोलन पहला वाले अंदोलन नालों कितना ताकतवर है। यह अंदोलन हो निपड़िया अज तक सरकारां तो किसी भी शहीद नूं शहीद का दर्जा नहीं दवाया गया साडे तो, और तुहाडे इस योधे नूं शहीद का दर्जा मिलिया है और वह सिद्ध होया मोटार वर्गे हमले होए तुहाडे ते, बंब सिटे गए साडे ते, अथरू गैस के गोले नहीं बंब सिटे गए सन। कि WTO दे विचों भारत नूं बाहर लियाउण दी गल करदे आ मेरे दोस्तों, ताकतां उस वेले अमेरिका वर्गियां ताकतां ने इत्थे आके ये मोटार वगैरह चलने ते चले, और असी कितें पंजाब सरकार जिहड़ी ये कहिंदी है कि असी पंजाब दे आ ते पंजाब दे हितैषी आ, असी इहनूं भी दस देना चाहुंदे आ कि इस गल का पल्ला ना झाड़ के बैठ जाओ कि जी असी FIR लॉन्च करती। ठीक है कुछ वकीलों की सलाह मशवरे ना जिमें ठीक लग्या तुसी FIR लॉन्च की, पर एक गल ना भुल्यो कि असी आने वाले दिनों चो। सत्कारयोग प्यारे बच्चे शुभकरण सिंह नूं शरदा दी दे फुल अर्पित करन लई पहुंची गुरु प्यारी साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे बहुत लंबे समय तो तकरीरां हो गईयां, गल्लां बहुत हो गईयां, मेरा ख्याल है होर बहुत ज़्यादा समा गल्लां करन दा समा तो नहीं, लेकिन इन्नी कु गल जरूर है कि दोस्तों जेड़ी लड़ाई शुभकरण ने लड़ी है वो लड़ाई एक बहुत बड़ा सुनेहा पूरी देश की किसानी दे लई छड़ के गया है। वो छोटा सुनेहा नहीं छड़ के गया। जिस दिन दिल्ली दे बॉर्डर तो अंदोलन नू सस्पेंड करके तुरन लगे सी उस दिन अदर स्टेटां दे कुछ व्यक्तियां वल्लों पंजाब नू एक उलंभा सी कि तुसी 3 कानून रद्द करवा के साडी MSP दी गल विच ही छड़ के चले हो। अज पूरे भारत दे विच बैठे किसान जमात नू शुभकरण दा इह सुनेहा है कि असी तुहाडा उलांभा ला के अपनियां जानां दी परवाह ना करदे होए मुड़ दुबारा अंदोलन उस जगह ते खड़ा कीता है। आओ पूरे देश दे किसानों एकजुट होके इस लड़ाई नू जितिए, यह लड़ाई जितनी है और आए दिन जित वल नूं वध रही है। यह साडा शुभकरण दा कुर्बानी एक बहुत बड़ा सुनेहा लैके जा रही है संसार के अंदर।
नोट करियो दो चार गल्लां जिहड़ी सरकार नूं जदों असीं कहिंदे सी कि WTO चों बाहर आउण दी गल करो उस वेले कहिंदे सी ना जी इह तां गल कीती नहीं जा सकती। और इस अंदोलन ने हालात पैदा करते कि भारत सरकार नूं जाके WTO दे विच कहना पिया कि पीस क्लोज नूं लगातार रेगुलर कीता जाए। ये ठीक है, साडी जमात नूं इन्हां गल्लां दी समझ नहीं आउंदी कि की आ पीस क्लोज, मतलब कि तुहाडी MSP जी नूं WTO खत्म करवाना चाहती है, उस MSP नूं जारी रहन रखन लई अलाउ करो। ये तुहाडे अंदोलन की ताकत आ मेरे मित्रों। उत्थे लै गए तुसीं गल, जिहड़ा WTO कहिंदा है कि 10% तो वध तुसीं इत्थों दी फसल का उत्पादन खरीद नहीं सकते, उत्थे कहना पिया भारत सरकार नूं कि सानूं अलाउ करो, ये शर्तां खत्म करो साडे तों। ये तुहाडे अंदोलन का दबाव है, छोटा नहीं दबाव। याद करियो तुसीं गन्ने की काश्त करने वाले लोग हो जिहड़े कदे गन्ने की कीमत इन्हां महीनियां च कदे वधी है, जे गन्ने की कीमत का ऐलान हुंदा है तां जुलाई दे विच आके हुंदा, जून जुलाई च। आ तुहाडे अंदोलन ने फिक्र पाया दिल्ली दे तख्त ते बैठे लोकां नूं और ऐलान करना पिया कि असीं 25 रुपए गन्ने का रेट वधाउणे आ। जिहड़े कहिंदे ने कि अंदोलन कल्ले पंजाब दा है, आ हरियाणे दे विच करफ्यू वर्गा माहौल क्यों बनाई बैठे हो? छड्डो ना एक दिन खुले हरियाणे वालियां नूं, पता लगे कि यह अंदोलन पहलां वाले अंदोलन नालों किन्ना ताकतवर है, सामने आ जाएगी गल। उत्थे करफ्यू का हालात बना रखे है, एमरजेंसी ला रखी है, तो डरदियां ने यह भी कहता कि असीं उन्हां लोकां दा जिहड़े हरियाणे दे लोग ने इन्हां दा असीं जिहड़ा कोऑपरेटिव दा कर्जा है उहदा ब्याज माफ करदे आ। इह तुहाडा अंदोलन करवा रहा दोस्तों। अगली गल, तुहाडा अंदोलन, यह अंदोलन हो निपड़िया अज तक सरकारां तो किसी भी शहीद नूं शहीद का दर्जा नहीं दवाया गया साडे तों, और तुहाडे इस योधे नूं शहीद का दर्जा मिलिया है। यह छोटी गल नहीं, यह साडा शुभकरना ध्रू तारे की तरह चमकदा रहेगा जब तक किसानी रहेगी। यह प्राप्ति है इस अंदोलन की। लड़ाई मेरे दोस्तों मेरे तो पहला पंधेर साहब गल करके गए, अगर क्रूरता की गल करिए, सरकारां दी निर्दयता की गल करिए, देखियो कदे कदे संसार लैवल दे उत्ते लड़ाइयां लगदियां देखियां ने असीं सारिया ने। तो अज तां मीडिया का युग है, हर ग्राउंड दे उत्ते हो रही लड़ाई तुहानूं दिस रही हुंदी है, पर कदे भी किसे सरकार ने मेडिकल दीयां सहूलतां बर्बाद करन दी कोशिश नहीं कीती। इत्थे ओह भी होया, असीं इह गल कही सी बहुत वारी जदों पिंडां च अंदोलन की तैयारी करदे सी कि लोको इहदे विच इक मंग ओह पाई गई है, जदों उस मंग दे उत्ते सट वजनी आ जाके उदों तोपां चलणगियां तुहाडे ते, और वह सिद्ध होया मोटार वर्गे हमले होए तुहाडे ते, बंब सिटे गए साडे ते, अथरू गैस दे गोले नहीं बंब सिटे गए साडे ते। लेकिन अफरीन धनवादी हां मैं साडे यूथ दा, साडे नौजवानां दा, साडे किसानां दा, जिन्हां ने एडा तशद्दुद झल्लिया पर सबर नहीं खवाया, सबर नहीं गवाया, सबर दे नाल जबर दा मुकाबला कीता। जिस दिन 13 तरीक नूं इह सब हो रहा सी, असी उस वेले फैसला कीता अगुआं ने कि असी खुद अगे जावांगे। तुहाडे अगू अगे होके गए ने मैदान दे विच,
डट के गए है। सो इस करके इथे वो आगू नहीं है कि लोग मरदे आ तां मरन, आगू किते पिछे बैठे रहन, वो आगू नहीं रहे। प्रभु लड़ाई लड़ रहे हैं, पर एक गल पहले दिन कहा सी, जिद्दे अंदोलन की शुरुआत की है, जिद्दे पिंडां च तुहाडे विच फिरदे सी कि WTO दे विचों भारत नूं बाहर लियाउण दी गल करदे आ, मेरे दोस्तों ताकतां उस वेले अमेरिका वर्गियां ताकतां ने इत्थे आके ये मोटार वगैरह चलने ते चले ने। सो इस करके साडा नौजवान, जे उस समय की गल करिए, एक पासे सरकार साडे नाल गलबात लई चर्चा कर रही है, साडे नाल विचार चर्चा करती है कि जी असी तुहाडे नाल मीटिंग करनी चाहुंदे आ, सानू टाइम दे रहे ने, ते दूजे पासे बिल्कुल शांतमई ढंग नाल बैठे साडे इस बॉर्डर ते, खनौरी बॉर्डर ते बैठे नौजवानां ते एडी हैवी अथरू गैसां दा हमला कीता गया कि उस भगदड़ दे विच्चों फिर माहौल बनाया गया ते सिद्धियां गोलियां मारियां गईयां, साडा नौजवान शहीद कीता गया। और असी किते पंजाब सरकार जिहड़ी इह कहिंदी है कि असी पंजाब दे आ ते पंजाब दे हितैषी आ, असी इहनूं भी दस देना चाहुंदे आ कि इस गल दा पल्ला ना झाड़ के बैठ जाओ कि जी असी FIR लॉज करती, ठीक है, कुछ वकीलों की सलाह मशवरे ना जिवें ठीक लग्या तुसीं FIR लॉज कीती आ, पर एक गल ना भुल्लियो कि असी आउण वाले दिनों चो अधिकारी विच लैणे आ इहदे, जिहड़े अधिकारी दे हुक्मां दे नाल साडे उत्ते नौजवानां दे उत्ते गोलियां चलाईयां गईयां ने, उह लैणे आ विच, भुलेखे च ना रहि जे कोई, ओ विच लवांगे, तकड़े होकर लड़ाई लड़ांगे, लड़ाई जित्तांगे। इह भी क्लीयर है कि जदों लड़ाई मेरे मित्रों इरादियां नाल लड़ी जांदी हुंदी है, लड़ाई दायरिया च रख के नहीं लड़ी जांदी, इरादे नाल लड़ी जांदी है। असी इरादा बना के चलने हां कि असी आपदे स्टेट दा, आपदे देश दा किसान, इहदा बच्चा, इहदा पुत पुत्रे, इह जिउंदे रखणे ने, इहनां नूं जिउंदियां रखण दे लई सानू आखरी साह तक लड़ना पएगा, लड़ांगे मित्रों अखीरले साह तक लड़ांगे। मेरा ख्याल है थोड़े तो बहुत सारे नूं पता होना है, बार बार ये गल्लां करदे चंगे नहीं लगदे, एडिया भयानक बीमारियां नाल लड़दे होण दे बावजूद मैदान च, और उदों तक मैदान च रहांगे जदों मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान खुशहाल नहीं हो जाता, आखिरी दम तक लड़ांगे। सो जिहड़ी गल बहुत सारे लोगों वालों मेरे तो पहला बुलारिया ने, बस फूल साहब हो रहे ने, पंधेर साहब ने गल्लां स्पष्ट करतियां, नैरेटिव सिरजण वाले तां भरावो सिरजदे हुंदे ने, बहुत सारे विचारधारां दे, बहुत सारिया विचारधारावां दे बुद्धिजीवी बने बैठे हुंदे ने, ओ तरह तरह दे लैक्चर, तरह तरह दे लेख लिखणगे, पर एक गल याद रखियो, लड़ाई अपनी आ, लड़ाई किसान दी है, लड़ाई कमेरा जमात दी है, लड़ाई किते करन वाले लोकां दी है, और उन्हां लोकां नूं बचाउण वास्ते ए अखीर तक लड़ाई नूं जारी रखना पैणा। ए भुल जे मोदी साहब कि जी थोड़े जे दिनां नूं तां चोण जाबता लागू हो जाएगा, हो जाण दे और चोण जाबते लागू, कोई गल नहीं, मैं कहना चोण जाबता 2024 भी लागू हो सकता है, और चोण जाबता मित्रों अगे जाके 30 च भी 29 च भी लागू हो सकता है, चोण जाबते उदू अगे भी लागू हो सकते ने, पर सिन्नी देर तक ये लड़ाई उन्नी देर तक नहीं मुकनी
जिन्नी देर तक साड़ी किसान जमात नूं सुख दा साह नहीं मिलदा, साडे आए दिन कुर्बानियां देण वाले जिहड़े नौजवान ने इन्हां दी कुर्बानी मंग करदी आ भरावो कि उठिए, उठ के ओ लड़ाई खड़ी करिए कि आउण वाले समें दे विच इह सामराजी ताकतां ते उहनां दे पिट्ठू उहनां दे चमचे उहनां सारिआं नूं फिकर पा दईए। आ जिहड़े कुछ लोग अज इस अंदोलन नूं इस मोर्चे नूं तरह तरह की बयानबाजी करके इहनूं बदनाम करन की कोशिश कर रहे ने, उहनां नूं पहचानण की लोड़ है वह कौन ने। ये अपने आप हिसाब ला लो कि वह लोग किहदे पक्ष च भुगतदे ने। यह अंदोलन साडी दिल्ली की ताकत दे नाल टक्कर लै रहा है और दूसरे पासे इस अंदोलन नूं बदनाम ते छोटा करके पेश करन वाले लोग उस दिल्ली दे पक्ष च भुगतन की गल करदे ने। यह साडा सारिआं दा फर्ज बनता है, हर किसान दा, हर मजदूर दा, हर दुकानदार दा, क्योंकि यह लड़ाई मेरे मित्रों कल्ले किसान दी नहीं है। अगर जो डबल यू टी ओ दीआं गल्लां आउंदीआं ने, भारत नूं डबल यू टी ओ चों बाहर लैके आउंदीआं गल्लां आउंदीआं ने, उदों फिर साडे पब्लिक सैक्टर दे होर अदारिआं दीआं गल्लां वी आउंदीआं ने, उदों फिर साडा टैक्सटाइल दीआं गल्लां वी आउंदीआं ने, उदों साडीआं एजुकेशन संस्थावां दीआं गल्लां वी आउंदीआं ने। उस वेले उहनां सारे ही अदारिआं नूं इकजुट होके इस मैदान दे विच खड़न दी जरूरत है और मेरा हुक्का है हर उस व्यक्ति नूं, हर उस संस्था नूं जिहड़ी इह चाहुंदी है कि देश दे किसान दी कर्ज मुक्ति होनी चाहीदी है, क्योंकि भरावो 7 लाख दे करीब साडा किसान खुदकशी कर चुके है। क्यों ना होवे कि आर पार की लड़ाई उन्हां किसानां दे परिवारां दी खातर लड़ी जाए। जिहड़ा भी कोई चाहुंदा है कि मेरे देश दा किसान अगे खुदकशी ना करे, उहनूं घट्टो घट डाक्टर स्वामीनाथन दे फार्मूले C2 नाल, C2+50 नाल फसल दा पहा मिले, ते जिहड़ा चाहुंदा है कि MSP दी गरंटी दा कानून मिल जाए, उहनां सब नूं अज इस मैदान दे विच खड़ना पैणा, खड़न दी लोड़ है। वक्-वक् तरीके बहुत ने, अदर स्टेटां दे विच बैठे जिहड़े साडे ठीक है, जिथों बैठा कोई लड़ाई लड़ सकदा है, इस लड़ाई की इस अंदोलन की हमायत दे विच आउण दी अज जरूरत है। ये कोई छोटा अंदोलन नहीं। सो इस करके मैं लास्ट दे विच मेरे मित्रों धन कहूंगा उन्हां मापिआं नूं। धन ने वह मापे जिन्हां ने शुभ करन नूं जन्म दिता है। महाराज ने बाणी च कुछ गल्लां कहियां, ओ कहिंदे जननी जने तां भगत जन, कह दाता कह सूर नहीं तां जननी बाज रहे कहे गवावे नूर। धन आ मापां दी कुख, धन आ मापे जिन्हां ने लाल आ कौम दे लेखे लाया, और धन सी ओ नौजवान जिन्हें अज आप दे मापिआं दा सिर ते मापिआं दा नां उच्चा कीता है। संसार दे विच जिन्नी देर तक किसानां दी गल हुंदी रहेगी, उन्नी देर तक शुभ करन दा नां शहीदां दे विच पहली कतार दे विच आउंदा रहेगा। सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾਹੀਂ ਕੁਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲਈ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ 200 ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, 200 ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਯੋਧੇ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੰਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।